नमस्कार, सत श्री अकाल जी आयानु। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम इस तरह के स्लीपर्स बनाएंगे। आप सब का धन्यवाद जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। नए अपलोड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम इन स्लीपर्स के बात करते हैं। ये रूम स्लीपर है, इसे हम छोटे बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। इसे मैंने स्क्वायर में बनाया। पहले इसके देखिए ऐसे स्केयर बनाए हुए हैं। पहले इस स्केयर बना के और इनको फिर स्केयर्स को आपस में जोड़ा हुआ है। अच्छा, इन स्केयर्स को हम छोटा या बड़ा बना के हम अपने स्लीपर का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चार चार लाइनों के का स्केयर बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसे तीन या दो का स्केयर बनाएंगे तो ये एकदम बच्चों की बनेगी। थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो जैसे थोड़ी बड़ी बनेगी, 8-10 साल के बच्चों की बन जाएगी। और ये फुल साइज़ है। ये मेरा मुझे ये सॉक्स बिल्कुल सही आ रही है। ये मतलब स्लीपर मेरे नाप के हैं, एकदम से मुझे सही आ रहे हैं। पहले आइए इसके लिए, इसे बनाने के लिए देखिए इस तरह से। अच्छा, इसमें सिर्फ जोड़ने का है। ये देखिए यहाँ से किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये जोड़ने का है इसमें, बस मेन जो है हमारा स्केयर हम कोई भी किसी भी तरह के ले सकते हैं। स्केयर बनाने के लिए हम पहले वही अपना एक क्रॉस लेंगे इस तरह से। इसमें हमने चार डालने हैं, एक दो तीन चार, चार चेन डालनी है इसमें हमने चार। और इसको पहले वाली चेन से ऐसे करके जोड़ देना है, ये इस तरह से। ये जोड़ने के बाद हमने इसमें दो चेन लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम बल लेंगे, और बल लेने के बाद ये जो हमारा बना है सर्कल, इसके बीच में से हमने इसमें दो और ये तीन इस तरह से बनाने हैं। थोड़ा जूम करते हैं इसको इस तरह से। अब हमने इसमें दो चेन लेंगे, एक दो चेन लेके फिर से हम तीन चावल बनाएंगे इसमें, एक दो तीन। इसे हम साथ में बीच में लेते चले जाएंगे। अब हमने फिर दो चेन लेनी है, एक दो, और फिर से बल लेके तीन चावल बनाएंगे वैसे, एक दो तीन। फिर से हम वही दो चेन लेंगे, एक दो बल लेंगे, फिर तीन चावल बनाएंगे, एक बल लिया, दूसरा बल लिया, और ये तीसरा इस तरह से। देखिए ये हमारे पास ऐसे बने, तीन चावल दो चेन, तीन चावल दो चेन, तीन चावल दो चेन, तीन चावल। और अब हमने यहाँ पे ये जोड़ने, अब हम लेंगे दो चेन, एक दो। अच्छा, जब हमने शुरुआत की थी हमने इसमें दो चेन ली थी। ये देखिए यहाँ से एक दो, और यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर से दिखाती हूँ, एक दो, ये यहाँ तीसरे में ऐसे, इसको इसके अंदर करके ये यहाँ से निकालना है, ये निकाला, और इसको हमने ऐसे निकाल देना है। ठीक है जी, ये अब हमने फिर से दो चेन लेनी है, एक दो। अब दो चेन लेने के बाद हमने बल लेना है,
और ये जो बिल्कुल इसके साथ में है दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल जैसे हमने दो चेन लिए और इसके साथ में है ये, इसमें से हमने चावल बना लिया ऐसे। अब फिर हम आगे दूसरी लाइन शुरू हुई उसी तरह से चावल बनाएंगे। ये हमारे पास देखिए नीचे तीन थे तो ये भी हमने तीन कर लिए, ऊपर ये नीचे तीन है ऊपर भी तीन कर लिए। अब इसमें जो ये हमने दो लिए थे, ये जो दो चेन ली थी इसमें से हमने दो बढ़ाने, दो नहीं सॉरी चार बढ़ाने, दो इस साइड के ऐसे बढ़ेंगे, दो बढ़ गए। अब ये हमने चेन ली दो, एक दो, दो चेन ले ली हमने। अब फिर बल ले लिया हमने और इसमें हमने दो चावल और बना दिए इसी वाले में नीचे, जिसमें हमने ये लिया था नीचे दो चेन ली थी उसी में हमने ऊपर चार चावल बना दिए। अब हमने फिर से ये देखिए एकदम इसके साथ से जो नीचे के तीन हैं उनको हमने वैसे ही बुन लेना, एक दो और ये अपना तीन। अब हम आगे हमने फिर से वैसे दो, इसमें इसके जो ये हर एक कोना है इनमें हमने चार चार बढ़ाने हैं इसी तरह से, दो फिर दो चेन और फिर दो चावल। अब हमने यहां से देखिए यहां से फिर से लेंगे, गांठ आ गई इसमें, इसे हम पीछे ले लेंगे, एक दो तीन। ठीक है ये देखिए ऐसे, एक तो ये आपको कोन दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा कोन, अब इधर ये कोन बनेगा एक। इसके लिए फिर वैसे हमने दो लेने हैं इसमें बढ़ाने हैं इस तरफ भी, इस नीचे से जो दो ली थी एक दो, इसमें हमने एक दो, दो चेन के बाद दो चावल और फिर ये यहाँ से दिख रहा है ये देखिए, ये यहाँ से एक दो तीन। अब ये फिर लास्ट कोना आ गया हमारा, इसमें भी ऐसे चार पांच। दो चेन और दो ये दूसरी साइड के, ये जो हमने नीचे जो हमने ली थी दो दो चेन उनके बीच में हमने चार चार चावल करके बढ़ाए हैं। अब ये यहाँ पे ये जुड़ेगा, जोड़ने का अपना वही तरीका है देखिए, एक दो तीन, तीसरा ये तीसरे में से ऐसे लेना है और ये यहाँ से निकालना है और ये इधर से। ठीक है अब फिर हमने वही दो चेन लेनी है और इसके बिल्कुल साथ में जो है उसमें से इस तरह से हम इसका पूरा चार लाइनों का बनाएंगे। ये हमारे पास इसकी तीसरी लाइन है जो कि ख़त्म हो रही है हमारी। आप ये देखिए इसको, इसमें दो लेंगे, एक दो, अब दो चेन और फिर से इसी में एक और एक ही दो। अब हमने इसमें से फिर लेना है एक, एक दो, दो लेने के बाद ये अब हमने यहाँ पे ये तीसरी लाइन ख़त्म करनी है और चौथी शुरू करनी है।
इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही अपना यहाँ से देखेंगे, एक ये देखिए ये जैसे था, एक दो, ये तीसरे में यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे और ये ऐसे इस तरह से। अब फिर हम दो चेन लेंगे और बिल्कुल इसके साथ में से यहाँ से ये चौथी लाइन शुरू करेंगे इसकी और ये लास्ट है इसका। ये इसकी चौथी लाइन है जो खत्म हो रही है, दो चेन और ये दो चार। और फिर हमने यहाँ से ऐसे दो तीन चार, अब हमने इसको ख़त्म करना है ये वाली, इसको यहाँ से। इसके लिए फिर वही हम करेंगे, एक दो और ये तीन, तीसरे में ऐसे डाला और ये निकाला यहाँ से और ये यहाँ से इसको बंद कर दिया। देखिए इस तरह से बनेगा। अब कैंची लेनी है हमें, कैंची लेके हमने काट के और ये इसमें बंद कर देना। ठीक है, ये हमारे पास ये स्क्वायर बन गया। अब देखिए इस तरह के हमने छह स्क्वायर बनाने हैं एक स्लीपर के लिए, जैसे ये मैंने बनाए हुए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, और ये पूरे पेयर के लिए हमें 12 ऐसे स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। 12 स्क्वायर बना के हमने इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए देखिए इस तरह से जुड़ने के बाद ये जुराब हम ये स्लीपर हमें इस तरह से दिखाई देगा। इसके लिए हम इसे सीधी साइड से जोड़ेंगे। इसे पहले हमने ये चार ऐसे जोड़ लेने हैं आपस में इनको। ये देखिए ये हमने अब ये जो है स्लीपर हमारे, इनको जोड़ना है हमने। और इन्हें जोड़ने का तरीका ये है कि पहले शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। देखिए ये मैंने चार ऐसे रख लिए स्क्वायर और इन चारों को मैं ये जो मैं धागे हैं ये मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि ये यहाँ से जुड़ेंगे और ये यहाँ से इस साइड से जुड़ेंगे और ये इधर से जुड़ेंगे और ये यहाँ से ऐसे जुड़ेंगे। ये चारों को जोड़ना है। ये धागे मैं अपनी तरफ से आसान वे में बता रही हूँ कि ये धागे मैंने इसलिए लगाए कि ये आपस में इस तरह से जुड़ेंगे। अब हम पहले इन्हें जोड़ते हैं और फिर आगे का शुरू करेंगे। इसके लिए हम कोई भी ले लेंगे, निकाल लेते हैं इस तरह से। ये मैंने इधर लगाया हुआ धागा। अच्छा, इसको जोड़ने का हमने अब ये है कि इसको सीधी साइड से जोड़ना है हमने। इनको हमने सीधा सीधा ही जोड़ना है, उल्टी साइड से नहीं जोड़ेंगे। इसके लिए देखिए हम पहले एक स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर में हमने ये जो निकाला हुआ है बहुत आसान है ये सिलनी, सिलनी ही बहुत आसान है। इसमें हम देखिए इसमें दो हैं इस तरह से, ये देखिए इसमें हमने इधर वाला लेना है, इस साइड वाला अंदर की तरफ वाला, ये बाहर की तरफ से नहीं लेना, जो अंदर है इस तरह से लेना है। ये यहाँ निकाल लेना है इनमें से दो में से एक में, और यहाँ से हमने ये दूसरा देखिए पकड़ेंगे हम इसको और इसका भी हम इधर से अंदर वाली साइड का लेंगे। ये यहाँ से ये वाला आएगा इसका, इस तरह से। अब हमने ये दो स्केयर आपस में पकड़ लेने। अब देखिए इसमें हमने
बाहर की तरफ से नहीं लेना, या ऐसे नहीं लेना, या कैसे भी किसी भी तरह से नहीं लेना। इसमें हमने अंदर वाली साइड में ये जो फली बनी हुई है, आपको दिख रही होगी फली बनी हुई, इस फली में हमने इधर का एक लेना है और ये इधर से अंदर वाली फली का, दोनों स्क्वायर के अंदर वाली फली का एक एक लेना है और उसको इस तरह से जोड़ना है। देखिए ये यहाँ से, ये यहाँ से। अच्छा, ये जोड़ने का ये है कि ये हमारे पास इस तरह से बनेगी, जैसे ये लाइन बनी आ रही है आपके, आपको दिख रही होगी, ये इस तरह से फली जोड़ेंगे, स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास ऐसी बनेगी। देखिए इस तरह से, अब फिर से शुरू करते हैं। देखिए ये दोनों बाहर के छोड़ देने, अंदर अंदर के लेने हमने, ऐसे इस तरह से। ये अपने आप ही जब हम सिलने लगेंगे तो हमें खुद ब खुद ही पता लगने लग जाएगा कि ये यहाँ से सिलना है हमने, अंदर वाली फली के अंदर से लेना है, और बाहर से ये ऐसे किंगरी सी बनती चली जाएगी इसकी। यहाँ से एक लेना है, ये यहाँ से एक लेना है। ये बस जो हमने इधर से दो ये चेन छोड़ी हुई है उनसे मिलाते हुए इनको आगे तक चलते चले जाना है, ऐसे एक इधर का एक इधर का, इस तरह से। देखिए और अंदर की साइड का, बाहर का लेंगे तो हमारी वैसी ये किंगरी सी नहीं बनेगी। ये देखिए इस तरह से, अब देखिए फिर से दिखाती हूँ, इधर भी बनी हुई है और इधर भी बनी हुई है। इसमें हमने ये वाला लेना है और इसके अंदर ये वाला, धागा कम करती हूँ, मुझे लगता है धागा ज्यादा हो रहा है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, इधर से ये लिया, इधर से ये लिया। ये देखिए ये बन गई हमारी वैसे, ये वाली चीज है ये, और इधर से ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसी बनेगी, वो चीज़ बनेगी ऐसे। यदि हम सीधा ऐसे त्रोपे मार देंगे जैसे, वो फिर दूसरी तरह हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तरीका तो वो भी सही है लेकिन ये थोड़ा डिज़ाइन सा बन जाएगा इसमें, इस तरह से सिलने से। अच्छा, अब ये हम किनारे पे आ गए इधर, इसमें जो हमने दो चेन ली हुई थी उनको भी इधर वाली दो चेन से जोड़ना है, जैसे ये देखिए यहाँ से और इधर ये यहाँ से। ऐसे ये जुड़ गया हमारा। अब हमने ये हमारा ऐसे जुड़ा है, देखिए ये ऐसे जुड़ा है ना, तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए जोड़ते हुए। तो अब हम चाहे तो इधर को आ जाएं चाहे उधर को चले जाएं, एक ही बात है। ये हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे। अच्छा, इसके लिए भी हम वही करेंगे। ये जो दो इसमें देखिए ये ले रखा है, तो इसमें हमने यहाँ से इधर ऐसे, ये हमारी तीन जुड़ गई हैं यहाँ से। अब हमने चौथी हमने यहाँ पे जोड़नी है इस तरह से। अब हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, देखिए दो में से निकाला हुआ है, तो ये हमने इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे अंदर की तरफ से लेते हुए, इसका यहाँ से यहाँ से इसको हमने इस तरह से जोड़ देना।
देखिए इधर से जुड़ा है। अब हमने इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ते हुए चले जाना है। ये हमारे चार जुड़ गए आपस में, चारों को जोड़ लिया हमने। अब हमने इसको उल्टा कर देना है, ठीक है जी। अब हमने एक और तीसरी पांचवी टिक्की लेनी है, और पांचवी टिक्की को हमने ये वाली उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है, इन दोनों को हमने ऐसे रख देना है इसके ऊपर, ठीक है जी। अब इधर पहचान के लिए हम ये लगा लेते हैं कि ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है जी। इधर से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और इधर से ये इस तरह से आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे। और ये यहाँ से इसको ऐसे घुमाना है, ये वाली जो है टिक्की इसको हमने ऐसे घुमाना है, ये देखिए ऐसे। और ये हमारे ये जुड़ेंगे और इधर से ये जुड़ेगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है जी, ये देखिए सब देख लीजिए, थोड़ा ध्यान इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ये एक टिक्की ऊपर रख के टिक्की की ये साइड खुली रहेगी, ये साइड खुली रहेगी, ये साइड खुली रहेगी अभी फिलहाल, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से जोड़ना है, ये जो यहाँ से शुरू करूँगी मैं सिलना, और यहाँ से सिलते हुए इसको यहाँ ऐसे और ये इधर ख़त्म कर दूँगी सिलाई, यानी कि ये जो टिक्की है ये इसके चारों तरफ सिलाई हुई है इसकी, ठीक है जी। देख लो आप इस तरह से फिर से ये ऐसे रखी हमने, इसके इधर से दोनों साइडें जोड़ी, इसको घुमा के इसकी इधर वाली साइड इसके साथ और इसकी इधर वाली साइड इसके साथ ऐसे जोड़ ली। ये हम जोड़नी शुरू करते हैं, निकाल देती हूँ मैं धागे। अच्छा ये उल्टा, इधर से भी उल्टा है इधर से भी उल्टा है, इसको यहाँ से पकड़ना है हमने और वही अपना तरीका कि अंदर अंदर के लेते हुए सिलाई करनी है। ये इसका मेन यहाँ से पकड़ेंगे और इधर से ये इसका मेन यहाँ से, ये जो दो हमने चेन बनाई हुई थी इसका कोना है, ये इधर नीचे वाली का कोना है, इसको हमने अंदर से सिलते हुए ऐसे ही चलना है। ये और ये आएगा, इस तरह से ये टिक्की चारों तरफ से सिली जाएगी। ये देखिए ये सिल गया हमारा यहाँ से ऐसे, ये इधर से ऐसे सिल गया। और अब हमने ये जोड़ने ये वाले, ये देखिए ऐसे, इनको यहाँ से जोड़ेंगे और इस वाले स्केयर को हम यहाँ से जोड़ेंगे। ये जोड़ के हमारे पास ये वाली चीज़ बनेगी, ये जैसे ये है ये इस तरह से जुड़ेंगे। अब हम इसको जोड़ते हैं, इसको यहाँ से ऐसे लाते हुए, ये मैंने यहाँ से शुरू किया था आपके सामने और यहाँ से सिलते हुए यहाँ ले आई मैं उसी धागे से, और उसी धागे से मैं इसको जोड़ते हुए यहाँ से ये इधर को घूम जाऊँगी यहाँ से, ये फिर वैसे ही हमने अंदर अंदर से लेनी है। ये देखिए ये हमने इधर से जोड़ लिया, अब हमने इसका यहाँ से ये सेंटर लेना है और इसको ऐसे करके ये इधर से जोड़ देना है,
इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो गैप है इसको हम सुई धागे से भर देंगे, लेकिन ये भी अंदर अंदर वाले उससे। फिर हमारे पास ये इस तरह से किंगरी बनती चली जाएगी। देखिए ये यहाँ पे तीन की किंगरी जुड़ रही है, इधर से ये आ रही है, इधर से ये, इसी तरह से बन जाएगी। ये हमारे पास इस तरह से बन गई, जैसे ये आगे का है। अब हमने ये पीछे वाला जोड़ना है। पीछे वाला इसमें हम अब तक 5 टिक्कियाँ जोड़ चुके हैं, छठी टिक्की हमारी ये वाली है। इसको भी हमने वैसे ही जोड़ना है। इसको हमने यहाँ से पकड़ना है और ये देखिए इसको, ये जोड़ने के बाद हमने इस टिक्की को यहाँ पर रखना है ऐसे, और ये देखिए इसको हमने यहाँ से जोड़ना है। ये वाला पोर्शन हमारा इस तरह से शुरू करेंगे इसको। यहाँ से जोड़ते हुए इसको हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। ये देखिए ऐसे यहाँ से जोड़ते हुए हमने यहाँ ख़त्म करना है। ये इस तरह से ये शुरू किया हमने और ये यहाँ से यहाँ ख़त्म करेंगे इसको, इस तरह से जोड़ेंगे इसको। ये इसको यहाँ से मैंने सिलाई कर दी और अब ये यहाँ पे इस तरह से इसको अंदर ले जाके धागे को ख़त्म कर देंगे हम यहाँ पे। इस तरह से ये हमारी जुराब तैयार होगी, जैसे ये बनी हुई है। ये एकदम मछली की शेप लगती है इसमें। उम्मीद है आज आपको ये स्लीपर बनाने आसान लगेंगे और पसंद आएंगे। यदि आपको आसान लगे और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।